सबसे पहले से शुक्रिया, शुक्रिया हमको इतना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा, हमें सोच भी नहीं आपने। सब लोग तो यही मुझसे पूछते हैं, जो भी नया कलाकार आता है, खेसारी जी भी जब आए थे वो भी पूछे, रितेश जी आए वो भी पूछे, जो लोग भी मिलते हैं पहले तो यही पूछते हैं कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, इस सफलता इसमें कैसे हासिल करनी है। पर ये भी तो कोई पूछ लो यार, सफलता मिलने के बाद उसको पचाना कैसे है। सफलता तो मिल जाएगी, आप मेहनत कर रहे हो तो 100% सफलता मिलेगी, वो कोई रोक ही नहीं पाएगा मेहनती आदमी को, क्योंकि जो कर्मठ आदमी है, जो मेहनती आदमी है, वो मेहनत करेगा और सफल होगा। भगवान सबको बराबर मौका देते हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। पर वो सफलता मिलने के बाद क्या करें कि हम बौआने न लगे, उधियाने न लगे। मतलब ग्राहक के एक लिए नया, कोई भी कोई नया इंसान के लिए अचानक से इतना प्यार, कोई मतलब एक सोचा, अम्मी भी छुट्टी नहीं थी कि अचानक से इतना वायरल और इतना ज्यादा, सबसे पहले तो प्यार, कभी भी सोची नहीं थी कि इतना ज्यादा। आज ये सॉन्ग देखी मैं तो सच में एक थोड़ा तो ये सोची कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं सपना देख रही हूँ। अब देखिए, आपने पूछा तो मैंने तो बता ही दिया दोनों को, और उस पे काम ये करना चाहिए कि आप कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छे प्रवचन सुनिए, कुछ आध्यात्मिक अध्ययन कीजिए, ताकि आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, शोहरत आ जाए, आप शांत रहें, जमीन पे रहें। तो उस पे थोड़ा जैसे मेहनत हो रही है काम को, वैसे ही थोड़ी सी मेहनत इस पे भी होनी चाहिए, थोड़ा सा अध्ययन भी होना चाहिए। अध्ययन करते रहिए, जीवन भर अध्ययन करना चाहिए आदमी को। रोज सोने जा रहे हैं आप, एक योग निद्रा लगा के सो जाइए, 4 घंटे में पूरा आप नए इंसान बन के सुबह पैदा मतलब जगेंगे। लाइव भी आते हैं लोग तो बोलते हैं नींद पूरा नहीं हुआ। अरे भाई, नींद पूरा नहीं हुआ था तो गलत बात करोगे तुम, पहले तो नींद पूरा करो। सबसे जरूरी है नींद पूरा होना, कि आप जैसे मेरे गुरुजी हैं विजय लाल यादव बड़े भैया, वो मुझे जब भी फोन करेंगे तो एक ही चीज बोलते हैं, बेटा अच्छे से सोए। बोला हाँ भैया, अच्छे से सो, एकदम अच्छे से सो के नींद पूरा करो, उसके बाद उठो और फिर ताजे होकर के फिर काम करो। तो ठीक है, काम तो चल ही रहा है, पर नींद भी जरूरी है, नींद पूरा करना चाहिए लोग को, मैं ये कहना चाहूंगा। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार दे रहे हैं हमको, ऐसे मिलते रहे प्यार आशीर्वाद। और आने वाला दिन में अगर हमसे कोई मिस्टेक भी हुआ या कुछ हमसे गलती हुआ तो उसको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी एकदम आप के सामने छोटी हूँ और एकदम न्यू हूँ, तो बहुत मिस्टेक हो सकता है हमसे, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो उस लोग को आप लोग एक मतलब सुधारने का मौका दीजिएगा, आपका छोटी बहन बेटी बोल के आप लोग हमको डांटिएगा मारिएगा कुछ भी होगी, सोम्या ये गलत है ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन प्यार बहुत करते अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं और बहुत व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसका विस्तार हो रहा है तो ये होना ही चाहिए। और मुझे भी ऑफर कई आए हैं, तो मैं जैसे यहाँ से फिल्म कंप्लीट करके मुंबई आऊँगा तो मैं भी एक आध गाना तो बना ही दूंगा, क्योंकि मुंबई में भी आके फिर फिल्म की शूटिंग है मेरी, तो उसी में समय निकाल निकाल के वो भी करते रहते हैं, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एक्टर आपसे ज्यादा फीस मांगेंगे या सिंगर आपसे ज्यादा फीस मांगेंगे, उनसे बढ़िया एक्टर और उनसे बढ़िया सिंगर नए आ जाएंगे, जो यही होता है हमेशा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ रुकता नहीं है, रोज कुछ न कुछ नया आता है। कभी एक दौर किसी का होता है, फिर किसी का आता है, फिर आता है, ऐसे बदलता रहता है और ये बदलता रहेगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।